रोज 8 मार्च विश्व महिला दिन निमित्ते आदिवासी सर्वांगी विकास संघ सोनगढ़ और गणसद्दा ग्राम पंचायत द्वारा गणसद्दा गा में क्रिकेट ग्राउंड खाते उजवणी कार्यक्रम योजवामां आव्यो, जेमां मुख्य मेहमान तरीके उपस्थित जिला युवा विकास अधिकारी श्रीमती अमृताबेन, बाल सुरक्षा अधिकारी अंजुबेन गामित अने पायलबेन गामित, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हेतलबेन तथा सोनगढ़ तालुका पंचायत में वर्तमान समय में छूटायेला महिला सभ्य तथा सुरक्षानी व्यवस्था माटे आवेला पोलिस कर्मचारीओ कार्यक्रम में उपस्थित रहिया अने तमाम आमंत्रित मेहमानोनु संगठनना कार्यकरो अने गामना महिला आगेवानो द्वारा फूलो आपी स्वागत करवामां आव्यु। गुणसद्दाना नाना बाळको द्वारा आदिवासी नृत्य रजू करवामां आव्यो। गुणसद्दाना नाना बाळको द्वारा गामडाओमां जे कुटुंबमां पति दारू पीतो होय एवा कुटुंबमां महिला उपर थता अत्याचारने अनुलक्षीने नाटक रजू करी अने महिलाओ सुखी कुटुंब केवी रीते चलावी शकाय एनी प्रेरणा आपी। मुख्य मेहमानोए बाळकोने प्रोत्साहक इनाम पण आप्युं हतुं। जिला बाळ सुरक्षा शाखाना अधिकारी श्रीमती अंजुबेन गामित द्वारा विविध योजनाओ विशे महिलाओने माहिती आपी अने सामाज उभी पड़े मेडिकल ऑफिसर श्रीमती डॉक्टर हेतलबेन द्वारा महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण असमानता विषय वक्तव्य आप्यो अने जिला युवा विकास अधिकारी श्रीमती अमृताबेन द्वारा रमत गमत क्षेत्र बाळकोने आगळ वधवा महिलाओं प्रेरणा आपे अने गुप्त थती आदिवासी संस्कृतिना वाजित्रा ने वगाड़ता शीखावा अने भविष्य में टकावी राखवा तथा शिक्षण क्षेत्र पण महिलाओं ने अनुभवेली परिस्थिति विषे बात करी कोईपण परिस्थिति ऊंची सीधी प्राप्त करी शकाय एवी प्रेरणा आपी। अंते आ कार्यक्रमनो आदिवासी सर्वांगी विकास संघना मंत्री श्रीमती निर्मलाबेने कार्यक्रम में भाग लेनार तमामनो आभार व्यक्त कर्यो अने कार्यक्रम ने पूर्ण कर्यो। रिपोर्टर रीटा गज्जर, न्यूज़ 108 सूरत। जी ગ્રામીણ અમૃતા, જિલ્લા યુવા વિકાસ અધિકારી તરીકે હું રમત ગમત કચેરીમાં સેવા બજાવું છું અને મારે સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ કરવાની હોય છે અને બીજું હું આજના જે આપણા આજે આપણે 8 માર્ચનું વિશ્વ મહિલા દિન તો ઉજવ્યો પણ સાથે સાથે વધારે પ્રમાણમાં આદિવાસીઓ ભાઈઓ બહેનો બધા એકત્રિત થયા હતા। ખાસ એટલું જ કહેવા માગું છું કે આપણા જે આદિવાસીઓમાં જે શક્તિઓ રહેલી છે એમાં એ શક્તિઓ બહાર લાવે અને બીજું કે એજ્યુકેશનમાં અભ્યાસમાં ભણવામાં વધારે આપણે આદિવાસીઓ આગળ આવે એવી બધાને નમ્ર અપીલ।